इसकी सिर्फ सिल्क की बैंडेज। हर हर महादेव भोले का नाम लेते हुए नागेश्वर धाम पर हूँ, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पर। जय द्वारकाधीश कृष्ण भगवान, इनकी लीला अपरंपार। जब जरासन ने बार बार आक्रमण किया था तो कृष्ण भगवान मथुरा से निकलकर आ गए थे यहाँ द्वारका में, और उन्होंने अपने प्रजाजनों के लिए एक बहुत ही सेफ स्थान ढूंढा था, और ये वही स्थान है द्वारका, और ये पूरी नगरी बसाई थी। और जो मंदिर आपके सामने दिखाई दे रहा है ना, जिसे हम द्वारकाधीश कहते हैं, वो उनके ग्रेट ग्रैंड सन ने बनाया था। उनका नाम है वज्रनाभ। देखिए बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है ना। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी इस मंदिर को बनाने में काफ़ी योगदान दिया था, और आदि गुरु शंकराचार्य की ही वजह से आज बड़े चार धाम में से एक हम द्वारका में हैं, अपने द्वारकाधीश के पास। जय श्री कृष्ण। ओके, तो अभी हमारा स्टे है होटल रोमा क्रिस्टो में, द नेम यू कैन ट्रस्ट, और रूम दिखाती हूँ अंदर जाकर के कि कैसा होगा। वाओ, ऑसम, ये बढ़िया है। तो द्वारका घूमना है ना, तो वैसे तो 5 किलोमीटर के रेडियस में आप द्वारका के आसपास जो भी चीज़ें द्वारका के अंदर वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा 90 किलोमीटर के रेडियस में आप पूरा सराउंडिंग देख सकते हैं। तो क्या क्या हम लोग मतलब द्वारका में, मतलब अगर 5 किलोमीटर के रेडियस में घूमना है तो क्या क्या घुमा सकते हैं आप द्वारका में? अगर आपको घूमना है तो पहले आएगा रुक्मणी मंदिर, ठीक है, रुक्मणी मंदिर द्वारका से 1 किलोमीटर दूर है, ठीक है। बाद में जाएंगे बड़केश्वर महादेव, ठीक है, बड़केश्वर महादेव यहाँ से 1 किलोमीटर वो भी है, ओके। वहाँ से गायत्री मंदिर है, गीता मंदिर है, द्वारका का मंदिर है, हाँ। बाद में 90 किलोमीटर में घूमना है तो नागेश्वर महादेव है, हाँ। गोपी तालाब है, हाँ। गोपी तालाब से बाद में बेट द्वारका है, शिवराजपुर बीच है, हाँ। और लास्ट में रुक्मणी मंदिर वापस है। सिर्फ 5 किलोमीटर के रेडियस में आप सारी द्वारका घूम सकते हैं। हम लोग अभी मंदिर की ओर जा रहे हैं, हमारे होटल से करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब 800 मीटर की दूरी पर है, और स्टेशन से भी इट इज़ हार्डली 2 to 3 किलोमीटर। धार्मिक स्थलों पर कुछ अलग ही रोमांच होता है। बड़ा अच्छा लगता है जब देखते हैं कि लोग जो है बहुत ही उत्साहित होकर के अपने अपने मतलब लंबे कहां कहां से आते हैं, और देखिए मुस्कुराहट भी होती है उनके चेहरे पर। दर्शन थी गया? अच्छा, अहमदाबाद से। अहमदाबाद से आए हैं? 400 किलोमीटर से। ओहो, हमारे कृष्ण भगवान की नगरी द्वारका, और द्वारका के नज़ारे आप देखिए आज के रूप में कैसे हैं। स्टॉल्स हैं, खाने के कई चीज़ें मिल रही हैं, कहीं पे जलेबी है, कहीं पे जलेबी है, तो कहीं पे खमन है, कहीं पे कचौड़ी है, और थेपला विच इज़ वेरी फेमस, एंड पोहा। वैसे दिखने में बहुत लाजवाब दिख रहा है, नाश्ता नहीं किया होता तो ज़रूर कर लेते हैं। ये सारा जो बांधनी है ना, बांधी हुई रहती है जो यहाँ पर है, और इसके अलावा आप देख रहे हैं खुली हुई ये मीन्स पण आ तो बांधल ही नहीं हुई ना, मतलब मैंने वाइट पहना था लेकिन मुझे लग रहा था कि कुछ कलर आना चाहिए, तो मैंने बांधेज ली है बस यहाँ से। और बांधेज तो भाई गुजरात में फेमस है, और 200 रुपीज़ की सिर्फ सिल्क की बांधेज है, नाइस ना। ये देखो चिंटी पिंटी का। वाओ, लाला जी के जो हैं सारे श्रृंगार यहाँ पर हैं, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत। अगर मैं डायरेक्ट मुंबई जाने वाली होती तो बहुत सारे लेके जाती, मम्मी को रोज़ एक नया चढ़ाने के लिए चाहिए होता है काना को। किसी भी जगह की छोटी छोटी गलियों में घूमते हैं ना, तो गलियों में घूमने का
मजा कुछ अलग होता है। लकड़ों की खिड़कियां, लकड़ों के दरवाजे, पीपल का पेड़ है ये और लोग यहाँ पर पूजा करते हैं। एक छोटा सा कुंड है, वाव होती है ना उसी तरीके का है ये। किसी जमाने में यहाँ से पानी भरा करते होंगे। ये एक ऐसी जगह पर आ गए, लग तो रहा था कि रुइंस टाइप का है बड़ा, मतलब पत्ते गिरे हुए हैं, मेंटेनेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर सारे विष्णु जी के अवतार दिखाई दे रहे हैं। देखिए कृष्ण अवतार, यहां पर है राम जी, जय श्री राम, और यहां पर है नरसिंह अवतार। देखिए, और मत्स्य अवतार, आहा, देखिए बड़ा खूबसूरत लग रहा है। तो बिना भूले जब भी आप अगर द्वारकाधीश आते ना, तो राइट हैंड साइड जहाँ चौक है वहाँ से राइट हैंड साइड से गलियों में आप आइएगा। कोई बोलेगा लेफ्ट हैंड साइड से जाना है, कोई बोलेगा राइट हैंड साइड से, आप राइट हैंड साइड से जाइएगा और फिर जब आप पीछे की ओर से आएंगे तो ये पर्टिकुलर जगह आपको मिल जाएगी। ये कुंड टाइप का है जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये है मीठे खाजे, और नॉर्मली आप किसी को भी देखेंगे ना द्वारकाधीश से आते हैं तो ये ज़रूर लेते हुए आते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे सोन पापड़ी भी है, पेड़े भी हैं, अलग अलग हैं, केसर के पेड़े हैं। यहाँ पे स्पीड बोट भी चलता है। चांदी ना हार नहीं बने, सोना भारो बार तुलसी, भगवान एक तुलसी ने बांधने तोरानो तो बोडानो हाथ मा रोपी ने तुलसी लेयो तो एटली तुलसी मा ताकत छे। अने तमारा शरीर नी अंदर तुलसी हसे तो तमारो शरीर निरोगी। बहुत बड़ी लाइन है, बहुत बड़ी क्यू है। ओके दोस्तों, तो हम लोग एक बोट ले रहे हैं और वो हमें गोमती नदी पार कराएगी, हम उस तरफ की ओर जा रहे हैं। ओके, ₹100 पर सीट आती और जाती, नंबर ले लीजिएगा जिनका भी आपने मतलब बोट लिया है, फिर आते वक्त उन्हीं का बोट या कोई और बोट मिल जाएगी। तो हम आ गए हैं इस पार गोमती नदी के, और यहाँ से द्वारकाधीश के दर्शन भी हो रहे हैं। हाय, बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ से टेंपल, सच में। ओह माय गॉड, ये कहाँ आ गए? पूरा ये आइलैंड है टाइप का है और चारों तरफ पानी है। भगवान द्वारकाधीश का जो मेन मंदिर इसी द्वारका शहर में गोमती द्वारका के नाम से जाना जाता है। द्वारकाधीश के मंदिर के पीछे गोमती नदी, समुंदर का पानी 6 घंटा रोज आता है और 6 घंटा पानी वापस चला जाता है। श्री कृष्ण जी मथुरा के अंदर जरासंघ के साथ 17 दफा युद्ध करके रण छोड़ के भगवान आए। गुजरात के लोग कृष्ण जी को रण छोड़ जी कहने लगे। द्वारका नगरी में कृष्ण जी ने सोने की द्वारका बसाई, चारों ओर सोना सोना दिखाई देने लगा, दरवाजे मिल नहीं रहे थे। द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ कहते कहते इस शहर का नाम द्वारका पड़ा। 125 साल इस पवित्र भूमि द्वारिका में भगवान ने राज किया। भगवान को मालूम था कलयुग के अंदर सोने की द्वारका रहेगी नहीं। सोमनाथ के पास भाल का तीर्थ
जहाँ पीपल के पेड़ के नीचे कृष्ण जी के पैर में एक जरा नाम का शिकारी ने बाण में से तीर मारा, तीर कृष्ण जी के पैर में लगा, भगवान परम धाम चले गए, सोने की नगरी समुन्द्र में डूब गई, क्योंकि गांधारी ने कृष्ण जी को श्राप दिया था कि हे कृष्ण जी आपका यदुवंश का विनाश हो जाएगा, द्वारका नगरी समुन्द्र में विलीन हो जाएगी। गांधारी के श्राप के द्वारा कृष्ण की द्वारका समुन्द्र में डूब गई। उसके बाद की निर्माण किया हुआ द्वारिका कृष्ण जी का बेटा प्रद्युमन, प्रद्युमन का बेटा अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का बेटा वज्रनाभम ने एक रात में कृष्ण जी का मेन मंदिर बनाया। 150 फीट हाइट, 40 मीटर का ध्वजा चढ़ाया जाता है। 5 दफा रोज द्वारकाधीश को झंडा बदली होता है। जो स्थान का नाम गोमती द्वारका। द्वारकाधीश के मंदिर के ऊपर पाकिस्तान वालों ने बॉम्ब डाला। 2001 में भूकंप आया, 4-5 दफा सुनामी आया, 2 दफा कोरोना आया, 2 साल पहले मंदिर के ऊपर बिजली गिरा, कभी अभी तक द्वारका का छोटा सा कंकर हिला नहीं। ये जो रास्ता है वो मंदिर जाने का रास्ता है और 12:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है। और यहाँ पर आपका लगेज या कुछ है वो आप सामान यहीं पे रख सकते हैं, मोबाइल अलाउड नहीं है, तो आप जब दर्शन करके वापस बाहर आते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। रास्ते अंदर जाने के 2 हैं, एक पीछे की तरफ से मतलब राइट हैंड साइड, जैसे मंदिर के चौक पे आएंगे राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी। ये देख रहे हैं मैंने यहाँ से मोजड़ियाँ ली है, आप ही ले सकते हैं, बड़ी सुंदर है, सिर्फ 250 रुपए में। अभी आप लोग रुक्मणी देवी का दर्शन करने जा रहे हैं। कृष्ण जी की 8 रानी, सबसे बड़ी और मुख्य रानी रुक्मणी देवी, महाराष्ट्र से अमरावती जिला को नन्यपुर गांव। श्री कृष्ण, आते हैं आप द्वारका तो इतना याद रखिएगा कि 3 प्रमुख स्थान हैं जिन्हें किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। पहला है रुक्मिणी मंदिर, दूसरा है द्वारकाधीश। ये 3 कर के ही जाना होगा, दर्शन कीजिए, आइए मैं आपको रुक्मिणी जी के दर्शन कराती हूँ। हाँ, और एक चीज़, रुक्मिणी अगर आपको पता नहीं तो रुक्मिणी कृष्ण भगवान की रानियों में से सबसे प्रथम रानी है। तो रुक्मिणी माँ के मंदिर में अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पर फ़ोन अलाउड है लेकिन कैमराज अलाउड नहीं है, इसके लिए आप प्रायर परमिशन लेते हैं तो फिर अलाउड। खूबसूरत दर्शन हो गए रुक्मिणी माँ के और अब हम जा रहे हैं बेत द्वारका और उसके बाद हम जाएंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो करीबन द्वारका सिटी से 30 किलोमीटर की दूरी पर आता है बेत द्वारका, और बेत द्वारका नहीं, बेत द्वारका जाने के लिए जहाँ पर नाव की सुविधा है, और अभी हम ओखा में हैं। ओखा आखिरी स्टेशन ही सही, लेकिन यहाँ पर की खास बात यह है क्योंकि हम बेत द्वारका जा रहे हैं और बेत द्वारका बोलते हैं पर एक्चुअल में वो है भेट द्वारका। भेट द्वारका इसलिए क्योंकि कृष्ण भगवान के सबसे प्रिय मित्र थे सुदामा, और जो वहाँ पे ब्रिज दिखाई दे रहा है, हैंगिंग ब्रिज जो नया बन रहा है, वो ब्रिज भी सुदामा के नाम से ही है, और इवन द्वारकाधीश में भी जो ब्रिज है वो भी सुदामा जी के ही नाम से है। तो यहाँ पर जो चावल भेंट में दिए थे सुदामा ने कृष्ण भगवान को, वही उसी के लिए यहाँ पर भेंट द्वारका नाम दिया गया और उन्हीं के नाम से वहाँ पर मंदिर बना है। आहा, देखिए वहाँ पे वो दिख रही है ना, वही ब्रिज जो बन रहा है। थोड़ा क्लीनलीनेस की कमी है लेकिन ये जगह बहुत अच्छी लग रही है। आइलैंड है और बोट से आना होता है, और फिर एक अलग सा शहर यहाँ पर है, और
इस जगह की खास बात यह है कि ये भेंट में दी गई जगह जो सुदामा जी को दी गई थी। तो हमारे रणछोड़ जब मथुरा से चले थे द्वारका की ओर जरासंध के साथ युद्ध लड़ते लड़ते, तो द्वारका में भाग के आ गए थे और उन्हें कहा गया था रणछोड़, और वही रणछोड़ ने सुदामा जी को यहाँ पर रिटर्न गिफ्ट के हिसाब से, क्योंकि सुदामा ने उन्हें चावल खिलाए थे और वही चावल का उन्होंने पूरी तरीके से रिटर्न गिफ्ट दिया भेंट द्वारका के रूप में। बारिश भी हो रही है, वाह वाह क्या माहौल बन गया है। कृष्ण भगवान की लीला अपरंपार। आदि योगी भी यहाँ पर है, आदि योगी की प्रतिमा तो देखी आपने, मेरा ईशा फाउंडेशन का ब्लॉग देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा तो बिल्कुल देख लीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत ब्लॉग बनाया है हमने, और उसके दो ब्लॉग है, एक है अक्षया और दूसरा है 3 Days with Sadhguru, मतलब ईशा फाउंडेशन में पूरी इन्फॉर्मेशन किसी ने भी नहीं दी है आज तक जो मैंने दी है। ओहो भारी भयंकर भीड़ है। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है। मंदिर में अगर आपको जाना है तो इतना याद रखिएगा, शाम के वक्त अगर जाते हैं तो 5 बजे के बाद मंदिर खुलता है, और आपके मोबाइल वोबाइल कुछ अलाउड नहीं है, तो आपको जमा करना होगा जस्ट जहाँ से लाइन है, बस उसके सामने ही है काउंटर, वहाँ पे जमा कर देना। माहौल यहाँ का बहुत ही खूबसूरत है, बोलते हैं ना कि आस्था की जगह हो और वहाँ पर भीड़ ना हो तो मज़ा नहीं आता, और यही भीड़ कभी कभी कुछ लोगों को बहुत इरिटेट करती है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है भीड़ ना हो तो वो आस्था का जो महत्व है ना वो समझ में नहीं आता। सूर्यास्त भी हो रहा है और 6:22 हुए हैं, हमारी नाव नहीं बोट हमारी चल देगी अभी थोड़ी देर में। भेंट द्वारका से हम ओखा की तरफ आ गए हैं, और अब हम हमारे बस में जाएंगे, और बस से होते हुए हम अपनी नहीं अभी तो नागेश्वर धाम जाना है हमने। शिव जी की प्रतिमा पीछे है, इतनी विशाल कि पूछिए मत, शिव जी का रूप तो वैसे ही अपरंपार है ना। हर हर महादेव भोले का नाम लेते हुए नागेश्वर धाम पर हूँ, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पर, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हमारे भोलेनाथ यहाँ पर विराजे हुए हैं। कहते हैं दारुका नाम का राक्षस जो था, उन्होंने सुप्रिया नामक शिवा की बहुत गहरी डिवोटी थी उसको बंधक बना लिया था। उन्होंने जाप किया कि शिवा और शिव का नाम लिया, शिव का नाम सुनते ही शिव जी प्रकट हो गए और उन्होंने दारुका का नाश कर दिया। बस उसी उपरांत इस जगह को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। ये प्रतिमा तो एक स्वरूप है, लेकिन यहाँ पर जो मंदिर नागेश्वर मंदिर है वो बस इसी के बगल में है, और यहाँ पे गोपिका तीर्थ लेक है। गोपिका तीर्थ लेक जो है वो तीर्थ लेक है गोपियों के नाम से, जो विजिट करने आती थी लॉर्ड कृष्णा को, तो उन्हीं को डेडिकेटेड है। कहते हैं वो अपना जीवन तक देने को तैयार थी उस धरती में समाने के लिए अपने कृष्णा के लिए। व्हाट अ कोइंसिडेंस, देखिए यहीं पर चंद्रमा भी हैं और यहीं पर शिव जी भी है, एग्जैक्ट चंद्रमा शिव जी के सर पे विराजे हुए हैं जस्ट लाइक उनका जो पोस्चर होता है ना। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के साक्षात दर्शन करा रही हूँ आप लोगों के लिए स्पेशली। महादेव वहाँ विराजे हुए हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। बहुत खूबसूरत दर्शन, बहुत ही अच्छे मंत्रिप्त होने वाले दर्शन है। मैंने आशीर्वाद लिया, आप सबको मिल गया। ओके दोस्तों, तो पहुंच चुके हैं हम अगेन द्वारका स्टेशन, और अभी हमारी ट्रेन 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे है, वहां से बोर्ड करेंगे। लेकिन
आज का दिन कैसा रहा आप बताइएगा ज़रूर। हमने कोशिश की है कि ड्रोन के द्वारा आपको बहुत ही खूबसूरती से हम बताएं कि कैसा द्वारकाधीश दिखता है, जो कृष्ण भगवान की नगरी है उन्होंने बनाई थी। उसके अलावा गोमती नदी हमने देखी और हम गए थे भेट द्वारका। जी जी हाँ, और भेट द्वारका के अलावा हमने नागेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। ये सारा आपको दिखाया, लेकिन एक दिन में आप इतना ही देख सकते थे या मैं दिखा सकती थी विद द लिमिटेशन। अगर द्वारका आना है तो आपको कम से कम 3 दिन का वक्त लेना पड़ेगा, कम से कम, नहीं तो मिनिमम 2 डेज टू गो अराउंड, क्योंकि भेट द्वारका में भी आपको जो है ना टाइम चाहिए मस्त बीच बीच घूमने का। तो मैं पूरा व्लॉग और एक बनाऊंगी द्वारकाधीश पर, लेकिन ये व्लॉग कैसा लगा बताइएगा। दिस इज शाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, और एक्सट्रीम रोड्स पर बने रहिएगा। बाय।